एवरीवन वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे और आप लोगों की गाड़ी भी अच्छी चल रही होगी। ये पर्सलेट की फ्रेंड्स मैंने पिंचिंग कर दिया था तो इसमें फिर से फ्लावर आना शुरू हो गया है। इसमें फ्लावर कम हो गए थे और इसकी पिंचिंग करने के बाद में ये देखिए नई नई इसमें ब्रांचेस आई और इसमें देखिए कितनी फ्लावर ये आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब गार्डन में सुबह आइए और ये फ्लावर खिलना शुरू होते हैं तो। और ये चिड़ियों का चहचहाना सुनिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है। अभी सुबह का टाइम है, देखिए चिड़ियाँ कितना चहचहा रही हैं और माइंड कितना फ्रेश हो जाता है। गार्डन में आइए और तितलियाँ और चिड़ियाँ अपना काम करती रहती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये फ्रेंड्स। आज का मेरा मेन टॉपिक ये अनार के प्लांट के ऊपर है। ये जो मैंने अनार का जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये मैंने कोई नर्सरी से ख़रीदा नहीं है। ये किचन का वेस्ट, एक बोरी थी मैं उसमें किचन का वेस्ट और गार्डन की सूखी पत्तियां जो निकलती थी उसको सफाई कर उसमें सब इसमें मैं भरती जा रही थी। ये देखिए ये बोरी में आधी बोरी ये फट भी गई है तो उसी में से एक अनार का दो तीन निकले थे फ्रेंड्स। इसमें एक तो बच गया और ये बड़ा होने लगा तो इसको मैंने इसी में रहने दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया तो ये धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसी में से ये किचन बेड से निकला है। ये दो साल का मेरा अनार का ये प्लांट हो गया है और एक साल में ही इसमें इतनी फ्लावरिंग हुई, इतनी फ्लावरिंग हुई तो मैंने सोचा कि शायद इसमें फ्रूटिंग होगी, लेकिन ये फ्रूटिंग तो नहीं आई लेकिन फ्लावर इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और फ्लावर आने के बाद में और सारे फ्लावर जो है वो गिर जाते थे। ये देखिए अभी भी इस में कितने ये देखिए फ्लावर आ रहे हैं। ये सब मेल फ्लावर हैं, ये सारे मेल फ्लावर हैं। हर ये देखिए छोटे छोटे से ब्रांचेस में आपको ये देखिए ये देखिए कलियां यहाँ 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 साइड साइड से इसमें ये देखिए आपको ये कलियां ही कलियां नज़र आएंगी। ये देखिए सब कलियां ही कलियां है और ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर में क्या होता है, इसके एक पीछे के साइड में भी थोड़ा उभरा हुआ सा होता है और सामने की तरफ ये देखिए ये फ्लावर होता है और ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर जो होता है जस्ट लाइक अ बेल, एक बेल की तरह से होता है। ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर में फ्रूटिंग नहीं होती है, फीमेल फ्लावर में इसमें फ्रूटिंग होती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने सोचा कि इस बार भी सारे फ्लावर जो हैं ये मेरे झड़ जाएंगे लेकिन, और ये देखिए इस बार मैंने अनार में ये देखिए फ्रूटिंग हो गई है और आप ये देख सकते हैं ये देखिए और ये इधर भी है और फल तो काफ़ी आए लेकिन ये बर्ड्स जो है उसमें अपनी बीक से कुछ खाती रहती है फ्लावर में तो उससे काफ़ी उसने गिरा दिया और लेकिन फिर भी ये कुछ फल जो हैं ये देखिए बच गए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। जहाँ तक कि मैंने फ्रेंड्स ऐसा सुना है कि सीड से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसमें 5 साल के बाद में फल आते हैं लेकिन ये 2 साल में ही इसमें ये देखिए फल आना शुरू हो गए हैं और इसमें बराबर ये देखिए इसमें फ्लावर आते रहते हैं। जबकि मेरा ये दूसरा भी अनार का प्लांट है और वो भी फ्रेंड्स मैंने ऐसे ही, मैंने कोई नर्सरी से नहीं लिया था, वो भी ऐसे ही किचन वेस्ट से ही निकला हुआ था तो उसमें एक एक फल आने के बाद में और उसके बाद अभी तक नहीं आए हैं और इसमें बराबर ये फ्लावर आते रहते हैं और फल भी बनते हैं लेकिन फल जो है वो गिर जाते हैं। और इस बार मैंने क्या किया, इसमें बनाना पील और अनियन का के छिलके को मैंने पानी में भिगो करके रखा और मेथी दाना सरसों की खली इन सबको मैं पानी में भिगो करके और हर 20-25 दिन के बाद में मैं इसको दे रही हूँ तो इससे क्या है कि ये जो मेरी फ्रूटिंग हुई है वो रुक गई है और फ्लावर भी बराबर आ रहे हैं।
ऐसा लगता है कि किसी भी प्लांट की आप जितनी केयर करेंगे उतने ही उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सीड से प्लांट ग्रो होते हैं तो उससे 5 साल के बाद, हाँ ऐसा होता है कि 5 साल के बाद में उसमें फल आते हैं, लेकिन ये मेरा प्लांट जो है ये 2 ही साल का, आप देख सकते हैं ये कितना छोटा सा ये प्लांट है और इसमें उतने ही फ्लावर आ रहे हैं और फल भी इसमें आ गए हैं ये, और हर ब्रांचेस में ये देखिए इसमें फ्लावर हैं, ये सारे मेल फ्लावर हैं। अनार में मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर आते हैं और ये जैसा मैंने आपको बताया ये फीमेल फ्लावर है ये। तो फ्रेंड्स इसकी आप लोग अनार के प्लांट्स की गुड़ाई करते रहिए और इसका एक ख़ास ख्याल ये रखिए कि इसमें पानी जो है फ्लावर आने के बाद में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो फ्लावर फौरन गिर जाएंगे और उसमें कोई भी फल जो है वो बनेंगे नहीं। और हर 20-25 दिन के बाद में आप इसमें किसी भी तरह ऑर्गेनिक आप फर्टिलाइज़र डालते रहिए तो आपकी प्लांट पे और फ्रूटिंग भी होगी और फल भी रुकेंगे। इस तरह से मैंने अपने ये प्लांट्स की केयर की जो कि मुझे फ्री में प्लांट्स मिला हुआ था, इसको मैंने कोई भी मैंने नर्सरी से नहीं लिया था। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, इसमें ये मिली बग का अटैक भी होता है, ये देखिए आप ये देख रहे होंगे ये एक ये ब्रांच है और इसमें ये देखिए मिली बग का अटैक होता है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, मैं हाथ से यूं ही करके ऐसे करके मैं हटा देती हूँ। अगर हाथ से ये नहीं हटते हैं तो मैं पाइप लेकर के उसमें फोर्स से इसको मैं इस तरह से हटा देती हूँ। फिर भी नहीं हटते हैं तो मैं कोई भी डिश वॉश का लिक्विड पानी में मिला करके उसको मैं डाल देती हूँ तो ये हट जाते हैं। इस तरह से मैं अपने प्लांट्स की केयर कर रही हूँ तो मेरे प्लांट्स में ये फ्रूटिंग हो रही है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।